नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, डॉक्टर की पर्ची को कैसे समझें, उसे कैसे पढ़ें। देखिए, डॉक्टर की जो पर्ची होती है वो हर कोई नहीं पढ़ पाता है। ओनली जो मेडिकल से बिलोंग करता है या कोई मेडिकल स्टूडेंट है या कोई फार्मासिस्ट है, वो ही एक डॉक्टर की पर्ची को पढ़ सकता है। तो एक डॉक्टर की पर्ची को पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत आपको स्टडी और थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होने की भी जरूरत होती है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कुछ हद तक समझाने की आप डॉक्टर की पर्ची को कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, एक डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसपे मुख्य तौर पर चार पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट में डॉक्टर का नाम, डॉक्टर की कौन सी डिग्री है, डॉक्टर किसका स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर के क्या फ़ोन नंबर हैं, क्या ईमेल आईडी हैं, उसके क्लिनिक का एड्रेस क्या है, अगर कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, ये सभी पूरी जानकारी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर वाले पार्ट में होती है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे की ओर होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें पेशेंट का क्या नाम है, पेशेंट की क्या जेंडर है, क्या उसकी एज है, क्या फ़ोन नंबर है, एड्रेस क्या है पेशेंट का। तो पेशेंट के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सेकेंड नंबर पार्ट में होते हैं। और उसके जस्ट नीचे की ओर होता है थर्ड नंबर पार्ट, जिसमें लिखा होता है आरएक्स, और आरएक्स का मतलब होता है टू टेक, आप इन दवाइयों को लीजिए। ठीक है, और आरएक्स के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, मैंने उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आरएक्स का की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आरएक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, और आरएक्स वाले थर्ड नंबर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर डॉक्टर दवाइयों के नाम लिखता है, और दवाइयों की डोज लिखता है, उसकी कौन से समय में लेनी है, खाने के साथ लेनी है या नहीं लेनी है, ये पूरी जो जानकारी है जो डॉक्टर उसी थर्ड नंबर वाले पोर्शंस में लिखता है और शॉर्ट टर्म में लिखता है, और वो पूरी शॉर्ट टर्म्स का क्या मतलब होता है मैंने आगे वीडियो में बताया रखा है। और उसके साइड वाले जस्ट ब्लॉक में एक जांच अगर किसी डॉक्टर को करवानी है पेशेंट की, तो जो अगर जांच के नाम क्या है, और अगर आपकी ब्लड प्रेशर चेक किया तो ब्लड प्रेशर कितना आया, ब्लड शुगर कितना आया, ये पूरी जो जानकारी होती है और साइड वाले ब्लॉक में होती है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे की ओर होता है पूरा डिस्क्लेमर, और पेशेंट के सिग्नेचर, फार्मासिस्ट के सिग्नेचर और डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं। सबसे लास्ट वाले जो पोर्शंस होता है, फोर्थ नंबर पोर्शन है, वहाँ पर पूरा सिग्नेचर वाला पोर्शंस होता है। ठीक है, तो एक पूरा अच्छे जो प्रिस्क्रिप्शंस का जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे, दवाइयों के नाम तो मैं नहीं समझा सकता यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस और स्टडी की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर हर एक प्रिस्क्रिप्शन में जो कॉमन टर्म लिखता है, दवाई कौन से समय में लेनी है, खाने के साथ लेनी है नहीं लेनी है, और दिन में कितनी बार लेनी है, ये पूरी जो जानकारी है जो डॉक्टर जो हैं वो शॉर्ट टर्म में लिखता है। तो उन शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है, तो चलिए उसी के बारे में हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे जो पहला टर्म्स होता है वो होता है ओडी। ओडी का मतलब होता है वंस इन ए डे, मतलब कि अगर किसी दवाई के सामने ओडी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि ये दवाई आपको दिन में एक बार लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बीआईडी या बीडी, इसका मतलब होता है टू टाइम ए डे, मतलब कि अगर किसी दवाई के सामने बीआईडी या बीडी लिखा हुआ है तो उस दवाई को आपको दिन में दो बार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टीआईडी, टीआईडी का मतलब होता है थ्री टाइम्स ए डे, मतलब कि अगर किसी दवाई के सामने टीआईडी लिखा हुआ है तो उस दवाई को आपको दिन में तीन बार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूआईडी, क्यूआईडी का मतलब होता है फोर टाइम इन ए डे, मतलब कि अगर किसी दवाई के सामने क्यूआईडी लिखा है तो उस दवाई को आपको दिन में चार बार लेना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों एसी, एसी का मतलब होता है बिफोर मील, तो अगर किसी दवाई के सामने एसी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि इस दवाई को आपको खाने से पहले लेना है, मतलब कि भूखे पेट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पीसी, पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील, तो अगर किसी दवाई के सामने पीसी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि इस दवाई को आपको खाना खाने के बाद में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है एडी, एडी का मतलब होता है अल्टरनेट डे, मतलब कि अगर किसी दवाई के सामने एडी लिखा हुआ है तो उस दवाई को आपको अल्टरनेट डे में लेना है, मतलब कि एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है दोस्तों एचएस, मतलब कि इसका लैटिन भाषा में मतलब होता है कि होरा सोमनी, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है बिफोर बेड टाइम, तो अगर किसी दवाई के सामने एचएस लिखा हुआ है तो उस दवाई को आपको सोने से पहले लेना है रात के समय। नेक्स्ट टर्म होते हैं दोस्तों टीएसएफ, डीएसएफ, टीबीएसएफ, ये जो टर्म है डॉक्टर अगर कोई आपको सिरप या सस्पेंशन देता है तो उसके सामने लिखता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो आपको उसको एमएल में लेना होता है,
तो TSF का मतलब होता है 1 टी स्पून फुल, मतलब कि 5 ml का वो टी स्पून फुल से लेना है। तो अगर किसी दवाई के सामने TSF लिखा हुआ है तो उस दवाई को आपको 1 टी स्पून फुल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है DSF, DSF का मतलब होता है 1 डेजर्ट स्पून फुल, जो कि 10 ml का होता है। तो अगर किसी दवाई के सामने 1 DSF लिखा है तो उस दवाई को आपको 1 डेजर्ट स्पून फुल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है TBSF, TBSF का मतलब होता है 1 टेबल स्पून फुल, जो कि 15 ml का होता है। तो अगर किसी दवाई के सामने 1 TBSF लिखा हुआ है तो उस दवाई को आपको 1 टेबल स्पून फुल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है SOS, दोस्तों ये जो टर्म है, अगर कोई आपको दवाई की ज़रूरत है, अगर इफ़ नेसेसरी है तो उस दवाई को आपको लेना है, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी में इस दवाई के सामने डॉक्टर जो है SOS लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस दवाई जिस समय आपको उस दवाई की आवश्यकता होती है उसी समय उस दवाई को आपको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है दोस्तों टैब, टैब का मतलब होता है टैबलेट। और नेक्स्ट है कैप, कैप का मतलब होता है कैप्सूल। नेक्स्ट होता है INJ, इसका मतलब होता है इंजेक्शन। और नेक्स्ट होता है SYR, इसका मतलब होता है सिरप, ठीक है। ये जो टर्म है दोस्तों, डॉक्टर अगर कोई आपको कौन से फॉर्म में वो दवाई दे रहा है, अगर आपको कैप्सूल दे रहा है, टैबलेट दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, सिरप दे रहा है, तो उस दवाई के सामने वो शॉर्ट टर्म्स में लिखता है कि अगर इसको टैबलेट देनी है तो टैब लिखेगा, कैप्सूल देनी है तो कैप लिखेगा, इंजेक्शन देना है तो उसको लिखेगा INJ, और अगर कोई किसी को सिरप देनी है तो वो लिखेगा SYR, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डॉक्टर को पैरासीटामोल की पेशेंट को टैबलेट देनी है तो वो लिखेगा टैब पैरासीटामोल 200 मिलीग्राम, ठीक है। तो इस टाइप से वो डॉक्टर जो है वो शॉर्ट टर्म्स यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बेसिक नॉलेज मिली होगी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।